नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमई विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता गांडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन। और हम हाजिर हैं अपनी उर्दू के इस क्लास के साथ। आज का हमारा ये सत्र उर्दू में रहेगा और कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आज का हमारा ये सत्र है। तो आप हमारा ये प्रोग्राम पीएमई विद्या के चैनल नंबर 10 पर लाइव देख रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नज़्म हम पढ़ने वाले हैं और नज़्म का नाम है ओ देश से आने वाले बता। और अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी इस सत्र के लिए हो, इस टॉपिक के लिए हो, तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। एक और माध्यम है हमारा ईमेल एड्रेस, उसके द्वारा भी आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। नज़्म का नाम मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इसे पढ़ाने के लिए जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका भी रूबरू आपसे करवा देना चाहती हूँ। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुआज़मुद्दीन सर, इज़ वर्किंग एट DELNCERT। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में। आदाब बच्चों, आपको भी आदाब। सर, जैसे कि नज़्म का नाम है हमारा ओ देश से आने वाले बता, नज़्म का नाम बहुत ही खूबसूरत मैं समझ रही है, मुझे पहले से ऐसा अंदाज़ा हो रहा है। सर, इसमें जो नज़्म है, ये जो हम बोल रहे हैं ओ देश से आने वाले बता, तो हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं सर, किसके आने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इंसान की फितरत में जो है जानने की ख्वाहिश हमेशा रही है, किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ नहीं देखते हैं। और इसमें दो लोगों का जिक्र है, ऐसा लगता है कि ये दोनों दोस्त थे, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक दोस्त जो है दूसरे मुल्क में है, जो प्रदेश में है, एक जो है उस देश से दूसरे प्रदेश में गया है। मतलब शायर जो है उसका नाम अख्तर शीरानी है, अख्तर शीरानी कहीं प्रदेश में है, लेकिन जब उनके देश से कोई उस प्रदेश में जाता है, मुलाकात होती है, तो एक लगता है कि बड़ी खुशी होती है देख के कि भाई हमारे प्रदेश से कोई आया है। और ये रिश्ता जितना करीबी होता है, फ़र्ज़ कर लीजिए आपके वालदेन पहुंच गए, तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हमांगी होती है। या जो है आपका कोई दोस्त, बहुत चहेता दोस्त, बहुत जिगरी दोस्त पहुंच गया, तो उसकी कैफियत कुछ और होती है। तो इस नज़्म में वही कैफियत बताई गई है। जो तो जाहिर सी बात है कि एक देश है और एक प्रदेश, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, ये तो देश और प्रदेश की बात होती है। लेकिन आजकल जो इसकी इस्तेलाह रहा है कि किसी एक जगह से एक इलाके से दूसरे इलाके में अगर कोई पहुंच गया, तो हम उसको भी कहते हैं कि भाई आपका वतन कहाँ है, आप कहाँ से आए हैं, किस इलाके से है, तो उसको भी देश प्रदेश सम्मान लेते हैं। तो अख्तर शीरानी एक प्रदेश में है और उन शायर जो है और उनका कोई दोस्त, जिगरी दोस्त उस मुल्क से वहाँ पहुँच जाता है, उनसे मुलाकात होती है, तो वो बड़े जज्बाती अंदाज में और एक एक चीज़ को वो पूछते हैं। पूरी नज़्म पढ़ने से ताल्लुक है और समझने से ताल्लुक है। और उस नज़्म के पढ़ने से पहले तो हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको अख्तर शीरानी का तारुफ करा दें, उनके बारे में बताएं। जैसा कि आपने इसका उन्वान बताया कि वो देश से आने वाले बता, तो इसमें तो शायर वतन की एक एक चीज़ के बारे में पूछता है, जैसे लगता है कि कोई मंज़र अलग अलग जो है टुकड़ों में है, हर मंज़र को वो पहले वजाहत करता है, फिर उसके बारे में पूछता जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब ये सूरत हाल नहीं थी, या तो दो तरीक़ों से हमें एक दूसरे के हालात जानने का मौका मिलता है, या तो हम खुद मुलाकात हो जाए, एक तरीका तो वो है। दूसरे पुराने ज़माने में तो अगर कोई प्रदेश में होता था, किसी दूसरे इलाके में होता था, वो ख़त लिख कर एक दूसरे से मांगता। अब तो ख़त का रिवाज नहीं रहा, अब तो जो है नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो हमारे पास व्हाट्सअप है और इंस्टाग्राम है और क्या क्या चीज़ है, फौरी तौर पर हम रब्ता कर लेते हैं और सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। और सबसे सहूलत जो है कि मोबाइल पे बात कर लेते हैं, तो ख़त लिखने की ज़रूरत ही नहीं जो है। लेकिन जब अब ख़त के ज़रिए जो होते, तो उसको निसफुल मुलाकात या आधी मुलाकात कहते थे, आधी मुलाकात, इसलिए कि हम बाप ने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, वहाँ से उसका जवाब भी आ रहा है, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही जो है। लेकिन ये सूरत हाल अब इसमें जो है हमारे मोबाइल में दोनों मौजूद है, आप या तो टेलीफोन कॉल कर लीजिए या तो वॉइस कॉल कर लीजिए जो है, तो उसमें तस्वीर भी आ रही है, देख भी रहे हैं। लेकिन ये उस ज़माने की नज़्म है जब ये सूरत हाल नहीं थी, इस आसानियाँ हमें नहीं मैसर थी। तो शायर का जो दोस्त उससे मिलने गया है किसी दूसरे मुल्क में, वो उससे पूछता है। तो इस नज़्म के लिखने वाले अख्तर शीरानी हैं, उनका नाम मोहम्मद दाऊद खान था और ये 1905 में इनकी पैदाइश है और 1948 में इनका इंतकाल हो जाता है, यानी कुल मिला के 43 साल इनकी उम्र है। और लेकिन 43 साल में इन्होंने बड़ा काम किया, इनके नौ शेरी मजमूए आए, अलग अलग नाम हैं उनके। और इनकी तालीम ओरिएंटल कॉलेज रही है, टोंक में पैदा हुए थे, राजस्थान के इलाका टोंक में पैदा हुए थे। और फिर उनके वालिद का नाम था हाफिज़ महमूद शीरानी, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े राइटर थे। उनकी एक किताब है पंजाब में उर्दू,
और उसमें ये नज़रिया पेश किया गया कि उर्दू जो है पंजाब के इलाके से निकली। मुख्तलिफ लोगों ने अलग अलग नज़रिए पेश किए, जिसमें एक नज़रिया ये भी है कि उर्दू पंजाब से निकली है। तो उसी नज़रिए पे मुश्तमिल उनकी किताब है पंजाब में उर्दू, ये उनके वालिद साहब की किताब है यानी हाफिज़ महमूद खान शिरानी। तो उनके वालिद भी बहुत बड़े आलिम थे और ये भी बहुत, इनकी तालीम तो नहीं ज़्यादा हो पाई थी लेकिन इनके बासलाहियत बहुत थे जी अख्तर शिरानी। और इन्होंने मुंशी फाजिल किया और फिर फाजिल मुंशी किया, फाजिल अदीब किया जो है लाहौर से। वो तो ये एक तरह से इनको देखिए पढ़ने का शौक़ था, और सबसे बड़ी चीज़ इनके यहाँ की मुसव्वरी का भी शौक़ था और उसके कहते हैं मौसीकी का भी, यानी तस्वीरें बनाने का और गाने बजाने का उससे बहुत शौक़ था। तो और इन्होंने अच्छा फिर अपनी सलाहियत की बिना पर कई एक रिसाले निकाली, एडिटिंग की उसकी जो है 1923 के से 1939 के दौरान, समझिए कि उसमें हुमायूं है, सहेली है, शाहकार है, और ख़ुद अपना रिसाला इंतखाब निकाला, फिर उसका नाम बाद में बदल के रखा बहारिस्तान, और फिर इस तरह ख्यालिस्तान और रोमान वगैरह भी ये उनके अहम रिसाले जिसकी उन्होंने एडिटिंग की। और इनका जो रंग है वो एक तो अलग अलग रंगों के में अलग अलग कैफियत पाई जाती है शायरों के या उनके कलाम की। ये एक रोमानी शायरी है, इनके यहाँ रोमांस मबनी बहुत सी शायरी है और बहुत मशहूर हुई है बाकायदा, बल्कि इनके जो मुआशक़े कहीं कहीं चले तो उसमें बाकायदा उनका नाम भी लिखा जो है उसमें। तो वो नज़में यहाँ पर तो खैर नहीं है, लेकिन इसी तरह देखिए कि इन्होंने नज़म गज़ल और गीत वगैरह भी लिखी, और नज़म जो है की हैसियत से ज़्यादा मशहूर हुई है नज़म निगार की हैसियत से। उनकी नज़म रोमानी शायरी की बेहतरीन मिसाल यानी रोमानियत, उनका रोमांसियत भी एक तहरीक चली थी जो बाद में उर्दू में भी आई, यानी अपने ख्यालात को इस तरह पेश करना कि लगता है कि आप दो आशिक व माशूक के दरमियान जो कोई ऐसा जज्बाती रिश्ता होता है उस रिश्ते की वजाहत के साथ उसको बयान करना पेश करना जो है ये। तो इन्होंने बहुत से उसमें रवायती हैतें भी यानी जो उसमें जिस फार्म में नज़में कही जाती तो उनमें भी कहा, और कुछ नई फार्म भी इन्होंने ईजाद की। इसके अलावा इन्होंने रनाइत इनके यहाँ बहुत है यानी नगमगी बहुत है, उनको उन कलाम को पढ़ने का जो है गा कर जो पढ़ने की जो कैफियत है वो उसमें बहुत लतीफ़ जज्बात इनके हैं, और सरशारी और सरमस्ती इस तरह के इनके कलाम की खूबियाँ जो हैं। और शायरी में इनके उस्ताद ने मौलाना ताजवर नजीबाबादी जो बहुत अच्छे आलिम थे तो उनसे ये इसलाह लिया करते थे अपनी शायरी में। और जैसा कि हमने शुरू में कहा कि इनके 43 साल की उम्र जो है लेकिन इनका शेरी मजमूआ यानी जो पोएटिक कलेक्शन है वो 9 है, और जिसमें बहुत अहम है कि इतनी मुख्तसर सी उम्र में इतना कलाम कहना जो है बहुत बड़ी बात है। और वो शेरी मजमूआ आप देखिए कि अख्तरिस्तान के नाम से है, निगारिस्तान है, निगारिशात अख्तर, शेरिस्तान, सुबह बहार, नगमा हरम, लाल तूर, शबिस्तान और शहनाज वगैरह। शहनाज बाकायदा इनके माशूक का नाम भी तो उसमें आता है इनकी शायरी में कि वो, तो उसी नाम पे इनका एक शेरी कलेक्शन भी है जो है। वो ये इनके हालात ज़िंदगी है। अब उसमें हम अच्छा नस्र में भी इनकी किताबें हैं दो हैं, एक जोहाक है एक और आइना खाने। इनके कुछ मशहूर नज़मों के नाम अगर हम कहें तो जो बहुत ज़्यादा लोगों के जहनों में रहती है कि आए इश्क कहीं ले चल, बहुत अच्छी नज़म है। दूसरी नज़म जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो देश से आने वाले बता, आए इश्क हमें बर्बाद न कर, आरजू ये जहाँ लिखूँ या जाने आरजू, कुछ तो तन्हाई की रातों का सहारा होता, बरसात तुम्हें सितारों ने बेअख्तियार देखा है वगैरह, उनकी बेहतरीन नज़में हैं। इन नज़मों के टाइटल जो है यानी इनको उनवाना से अंदाज़ा हो जाता है कि उनमें कितनी खूबसूरत नज़में होंगी जो है। अब सबसे पहले अगर हम इस नज़म को पढ़ के देखें तो एक नज़म की सबसे बड़ी खूबी है कि तरजीह बंद की शक्ल में, एक तरकीब बंद होता है एक तरजीह बंद। तरजीह बंद में होता यह है कि जो नज़म होती है उसमें टीप का शेर आता है, ये सब बच्चों को मालूम होगा पहले इसकी वजाहत हो गई है। तो टीप का बंद इसमें बार बार दोहराया जाता, कभी शेर दोहराया जाता, कभी कभी एक मिसरा सिर्फ जो है। तो इस नज़म का जो टाइटल वो है कि ओ देश से आने वाले बता, उसी मिसरे की तकरार जो है हर बंद के शुरू में और आखिर में हो रही है, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर। तो इस तरह इसमें हम देखते हैं कि 3, 4, 7, 2, 9, 1, 10 इस पूरे नज़म में 10 बंद है, और 20 मरतबा ये जो है तकरार इसकी हुई है कि वो देश से आने वाले बता। अगर इसको स्कूल में प्रेजेंट किया जाए तो इसको दो लोग गाकर बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं कि एक सिर्फ ये पढ़ेगा कि वो देश से आने वाले बता और दूसरा फिर उसकी पूरी कैफियत बयान करे। तो आइए इसको सबसे पहले पढ़ कर देखते हैं कि इसमें क्या ख़ास बात कही गई है।
वो देश से आने वाले बता, वो देश से आने वाले बता किस हाल में है यारान वतन, आरा आवार है गुर्बत को भी सुना किस रंग में है कनान वतन, वो बाग वतन फिरदौस वतन वो सर्व वतन रिहान वतन, वो देश से आने वाले बता। अब इसका एक बंद मुकम्मल हो गया। यहाँ पहले बंद में जो बात कही कि उसका एक तजस्सुस जाहिर हो रहा है, जब उसका दोस्त ताजा है तो देश से आने वाले उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन उस मुल्क से आने वाला जो है लगता है दो लोग बैठ के आपस में बड़ी बेतकल्लुफी से बातें कर रहे हैं। वो कैफियत वो पूछता कि वो देश से आने वाले बता किस हाल में है यारान वतन। यारान जो है यार की जमा है, यार जो है दोस्त को कहते हैं, अहबाब को कहते हैं, अलिफ में बढ़ा दिया तो यारान हो गया, और उसकी इजाफत के साथ वतन लगा दिया तो वतन के जो दोस्त अहबाब जो हैं वो कैसे हैं किस हाल में हैं। आवार है गुर्बत को भी सुना किस रंग में है कनान वतन, और शायर ने ख़ुद को आवार है गुर्बत यानी गुर्बत का मारा हुआ। गुर्बत का एक मतलब तो मुफलिसी होता है, गरीबी होता है, लेकिन गुर्बत का जो अहम मतलब है कि अपने प्रदेश में ना होकर दूसरे प्रदेश में चले जाने को गुर्बत कहते हैं, उसको गरीब कहते हैं। तो आवार है गुर्बत, गुर्बत का मारा हुआ। तो शायर वही कहता कि आवार है गुर्बत को भी सुना किस रंग में है कनान वतन। अब इसमें एक तलमी इस्तेमाल हुई है कनान, कनान जो है फ़लस्तीन यानी इसको पैलेस्टाइन कहते हैं, फ़लस्तीन का पुराना नाम है, और अल्लाह के एक जलीलुल कद्र बुजुर्ग गुजरे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका मस्कन भी था यानी उनका मकान वहाँ भी था, और उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश वहीं हुई थी कनान में। तो उस रियायत से जो है कनान वतन एक तलमीग यानी इंतहाई उसको जो है जज्बाती तौर पर शायर ने पेश करने की कोशिश की है। कोई और तरकीब भी इस्तेमाल कर सकता, लेकिन कनान कैसे, वहाँ जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे जो है, उनका एक बड़ा वाकया मशहूर है, अब यहाँ पर उसकी तफसील नहीं है उनकी खूबसूरती का, उसका जिक्र कलाम पाक में भी है। तो कनान वतन का मतलब यह है कि इंतहाई जज्बाती लगाव के अंदाज पूछता है कि हमारे वतन के लोग कैसे हैं, खूबसूरत लोग कैसे हैं। तो ये है वो बाग वतन फिरदौस है वतन, वतन के बाग कैसे हैं, जो वतन के जो फिरदौस की मानिंद है जन्नत की, फिरदौस कहते हैं जन्नत को, तो जन्नत की मानिंद है उसके बारे में बताइए। वो सर्व वतन रेहान वतन, रेहान एक किस्म का फूल होता है यानी वहाँ के फूल कैसे हैं, वतन कैसे हैं, दरख्त कैसे। सर्व एक किस्म का दरख्त है तो बहुत ऊँचा होता है और सीधा होता है, और आम तौर पर उस दरख्त की मिसाल जो है जब महबूब से दी जाती है कि जो बहुत लंबा होता है और खूबसूरत होता है सीधा होता है, तो उससे उसकी मिसाल यह उर्दू शायरी में हमारे यहाँ बहुत ही जो है। तो ये पहला बंद हो गया। दूसरा बंद देखिए, क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएँ आती हैं, क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घंघोर घटाएँ छाती हैं, क्या अब भी वहाँ की बरखाएँ वैसे ही दिलों को भाती हैं, ओ देश से आने वाले बता। अब देखिए वो छः सवाल किया इसमें जो तो अलग अलग छः लाइन में, कि वहाँ के बाग कैसे हैं, वहाँ की हवा अब भी चल रही उसी तरह, वहाँ के पर्वत अब भी उसी तरह के अपनी है, गौ पर्वत पर घंघोर घटाएँ आती यानी काली घटा घिर कर बादल आते हैं कि नहीं आते, क्या अब भी वहाँ की बरखाएँ, बरखा कहते हैं बारिश को जो है, वैसे ही दिलों को भाती हैं। तो एक पूरा मंजर जो है कैफियत बयान की कि कहीं नेचुरल मंजर हो, आप देखें कहीं बारिश हो रही हो, पहाड़ हो, घंघोर घटा हो, और अब मस्ताना हवाएं चल रही हो, तो लगता है कि खुद हम उसको पढ़ नहीं रहे बल्कि उस फदा में हम खुद पहुंच गए हैं ऐसा लगता है। तो ये इसके नज़म की खूबी है। अब तीसरा बंद देखिए, फिर शुरू होता है कि ओ देश से आने वाले बता, क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, और सड़कों की धुंधली शमों पर साजों का बसेरा होता है, हाथों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है, बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है। यहाँ फिर जिस तरह उसने छः सवाल कर लिए जो है छः मिसरों में, और फिर उसने कई सवालात कर लिए जो है कि क्या शाम पड़े गलियों में दिलचस्प अंधेरा होता है। आम तौर पर शाम होती है तो जाहिर बात अंधेरा हो जाता है, अब तो लाइट का इंतजाम होता है, लेकिन पुराने ज़माने में जो उस दौर की बात है तो बिल्कुल घंघोर अंधेरा छा जाता था, और म्यूनसिपलिटी के तरफ से जगह जगह खंभे लगे हुए थे लकड़ी के, और लकड़ी के खंभे पर वो है कि लैंप लगा होता था, हमने तो खुद देखा उस पर बचपन में, तो उस लैंप को जलाने के लिए शाम होते म्यूनसिपल के कारिंदे जो है लोग आते थे, उसमें मिट्टी का तेल होता था कोई था, उसको जला के फिर चले जाते थे। तो वो तो क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, और सड़कों की धुंधली शमों पर साजों का बसेरा होता है, बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है। अब वो जाहिर सी बात है कि जब उस पर लैंप रोशन कर दिया तो बहुत ज़्यादा रोशनी तो नहीं होती, तो उसी तरह उसकी रोशनी इतनी होती है कि जैसे सुबह की रोशनी होती है, तो उसी तरह लगता है कि सवेरा हो गया जो है, हालांकि वो शाम है। अब इसी तरह आप देखिए कि अगला बंद जो है फिर वही से शुरू हो रहा है कि वो देश से आने वाले बता,
क्या अब भी महकते मंदिर से नाकोस की आवाज़ आती है? क्या अब भी मुकद्दस मस्जिद पर मस्ताना अदा थर्राती है और शाम के रंगी साजों पर अजमत की झलक छा जाती है? अब इसमें एक मजहबी कैफियत बयान की है। जाहिर सी बात है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है और आज भी उसकी मिसालें देखी जाती हैं। मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तो वहाँ भी जाहिर बात है वो सवाल करता है कि जो मंदिर से नाकोस यानी जो शंख बजाने की आवाज़ है मस्जिद शाम होती है या सुबह के वक्त जब भी, तो क्या अब भी वो ऐसा सब कुछ हो रहा है जो हमारे ज़माने में होता था? क्या अब भी मुकद्दस मस्जिद पर मस्ताना अजान थर्राती है और मस्जिद के मीनारों से क्या अब भी अजान उसी तरह होती जिस तरह पहले होती है और शाम के रंगी साजों पर अजमत की झलक छा जाती है? और शाम होते ही वहाँ की जो है आम तौर पे आप देखिए कि दिन की चहल पहल तो अलग लोग अपने कारोबार में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन शाम होती है लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाती है और किसी भी शहर की खूबसूरती जो है दिन में उतनी नहीं नज़र आती जितनी शाम को नज़र आती है। जब चरागा हो जाता है, रोशनी हो जाती है, तो लगता है कि पूरा शहर झिलमिला रहा है, रोशन है। तो शायर के कहने का मतलब यही है कि और शाम के रंगी साजों पर हजमत की झलक छा जाती है, तो क्या अब भी वहाँ की बड़ाई इसी तरह है, सब कुछ है वो देश से आने वाले बता। और फिर अब दूसरा बंद शुरू हो रहा है, तो फिर वही वो देश से आने वाले बता, क्या आम के ऊँचे पेड़ों पर अभी वो पपीहे बोलते हैं, शाखों के हरेरी पर्दों में नगमों के खजाने खोलते हैं, सावन के रसीले गीतों से तालाब में अमरस उफोलते हैं। अब यहाँ पर फिर तीन चार चीज़ों का जिक्र किया है कि ऊंचे पेड़ों पर पपीहों का जिक्र किया है, शाखों के हरेरी पर्दे, हरेर कहते हैं रेशम को, हरेरी पर्दा रेशमी पर्दा एक हल्का सा पर्दा होता है जिससे ना ज़्यादा छुपे और ना ज़्यादा दिखाई दे, तो रेशमी पर्दा नाजुक पर्दा। अब शाखों के हरेरी पर्दों के ऊपर शाखें नर्म होती हैं, वो नर्म आपस में मिली होती हैं, तो लगता है कि वो शाखों का आपस में मिलना होना और नर्म होना दो कैफियत ये सिफत बयान की है। क्या शाखों के हरेरी पर्दों में नगमों के खजाने खोलते हैं, जब हवा चलती है तो शाखें एक दूसरे लड़ती हैं, वहाँ हल्की सी सनसनाहट होती है और वो सनसनाहट कभी आपका इत्तेफाक हुआ हो तो लगता है कि हमारे अंदर एक कई नगमे गाए जा रहे हैं, वो कैफियत हमें उससे अलग दोबाला कर देती है। और सावन के रसीले गीतों में तालाब में अमरस घोलते हैं, अमरस कहते हैं आम का रस, अब सीज़न आ गया है आम का जो है, तो उसका को सावन का महीना जब होता है तो उस वक्त जो है तो सावन की एक तो यह है कि रिमझिम रिमझिम बारिश होती रहती है और उसमें आम भी है और आम का रस जिसको मिल जाए तो अब तो बाकायदा लिक्विड फॉर्म में आ गया है, वरना तो जो है तो आप देखिए कि जहाँ जहाँ उसने शायर ने उसको ये किया है कि उसके साथ एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है, सावन के रसीले गीतों, गीत कैसा है रसीला है, पर्दा कैसा हरेरे रेशमी पर्दा है, पेड़ कैसे ऊंचे पेड़ों पर, तो हर एक चीज़ के साथ उसने जो है पूरी नज़म ये कैफियत तो उसने सिफात का इस्तेमाल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से अगला बंद देखिए कि ओ देश से आने वाले बता, क्या पहली सी है मासूम अभी वो मदरसे की शादाब फ़ज़ा, कुछ भूले हुए दिन गुजरे हैं जिसमें वो मिसाल ख्वाब फ़ज़ा, वो खेल वो हमसिन वो मैदा, वो ख्वाब गहे महताब फ़ज़ा। और यहाँ पर ज़रा सी हम लफ्ज़ियात मुश्किल हो जाती है, हालांकि पूरी न तो बहुत आसान है लेकिन लफ्ज़ को थोड़ा सा जैसे ख्वाब गहे महताब फ़ज़ा हमसिन है और जिसमें मिसाल ख्वाब है, और क्या पहली सी है मासूम अभी वो मदरसे की शादाब फ़ज़ा। मासूम किसको कहते हैं? जानते हैं कि जो बहुत शरारती न हो, बहुत मुअद्दब हो, तहजीब हो और हल्का सा चुलबुलापन हो, तो मदरसे में जब बच्चे या स्कूल में जाते हैं तो बच्चे आपस में हल्का सा शरारत होती है, शरारत वो किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं होती है या उसमें कोई उनके इरादे को दखल नहीं होता, बल्कि बच्चे आमतौर तो कहते हैं वो मासूम जो बच्चों की वहाँ फ़ज़ा थी वो अब भी मदरसे की फ़ज़ा वैसे ही शादाब कहते हैं हरे भरे को, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना, शाद माने खुश और आब माने पानी, शादाब का मतलब एक लफ्ज़ हो गया, अब हरा भरा जो इलाका हो तो उसको शादाब कहते हैं, वो शादाब इलाका है, शादाब फ़ज़ा है। कुछ भूले हुए दिन गुजरे हैं जिसमें वो मिसाल ख्वाब फ़ज़ा, हम तो वहाँ से आ गए हैं लेकिन अब भी भूले हुए दिन हमें याद आ रहे हैं, वहाँ की एक ऐसी फ़ज़ा थी जो एक ख्वाब की मानिंद थी, अब वो हमारे लिए ख्वाब हो गया, अब तो नहीं रहे, तो लगता है वो चीज़ें हमें याद आ रही हैं और वो ख्वाब की मानिंद हमको नज़र आ रही है। वो खेल वो हमसिन वो मैदा यानी जो बच्चों के साथ जो खेलते थे, और हमसिन कहते हैं हम उम्र को जो है एक ही साथ में खेले हुए जिनकी उम्र तकरीबन एक जैसी हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क ना, तो उसको हमसिन कहते हैं। वो खेल वो हमसिन वो मैदा, वो ख्वाब गहे महताब फ़ज़ा,
यानी जो कुछ है खेल भी है बच्चे में वो साथी भी है, और जिस मैदान में जहाँ खेलते थे वो ख्वाब गहे महताब फजा, जहाँ की फजा ऐसी थी लगता है कि अब महताब को ये भी देखिए दो लफ्ज़ों से, माँ कहते हैं चाँद को और ताब माने रोशन, तो महताब पर चाँद रोशन होता है तो महताब कह दिया या महताब कर, ये दोनों एक ही लफ्ज़ है। तो वो खेल वो हमसिन वो मैदाब वो ख्वाब गहे महताब फजा, यानी वहाँ की ये सारी कैफियत जो हमें याद आ रही है हम उसको याद करके कैसी है क्या सूरत हाल है बताइए कुछ जो है उदेस से आने वाले बता। अब अगला बंद देखिए, क्या आप भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता। अब ये पुरानी कैफियत जैसा कि हमने कहा कि इनका रोमांस बहुत था, और हर आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि वो किसी को चाहे और वो भी चाहा जाए, ये एक कैफियत होती है हर इंसान की जो है वो आखिर तक रहती है। तो क्या आप भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बतानी, जिसको हम लोग हमें चाहते थे, क्या अभी वहाँ लोग हमें पसंद करने वाले हैं, पूछने वाले हैं, चाहने वाले हैं कि नहीं, कि या क्या याद हमें भी करता है। अब यारों में कोई या बता, क्या दोस्तों में कोई हमें अब भी याद करता है कि नहीं, कि हमें तो वतन छोड़ दिया या कर्सा गुजर गया, लेकिन अब आप वहाँ से आए हैं तो क्या हमारा जिक्र वहाँ होता है, लोग हमें याद करते हैं कि नहीं करते जो है। ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता, लिल्लाह बता, खुदा के वास्ते बता, क्या सूरत है हाल कैसी है, लोग हमें पारे पर पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। अब तीन में, क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फजाएँ भूल गईं, बरखा की बहारें भूल गईं, सावन की घटाएँ भूल गईं, दरिया के किनारे भूल गए, जंगल की हवाएँ भूल गईं। अब ये देखिए पहले पहाड़ का जिक्र आया था, मैदान का जिक्र आया था, अब यहाँ किस चीज़ का है कि अलग अलग जो है दरिया के किनारे का वतन जिक्र है, तो यहाँ भी उसी कैफियत को बयान किया गया है अलग अलग। तो यानी कहने का मतलब यह है कि शायर को हर एक एक मंजर याद आता जा रहा है, दोस्त के सामने बैठा है बातें कर रहा है, और जैसे जैसे उसको सारे मंजर याद आते जा रहे हैं, सारी याददाश्तें उसको उभर आई जहन में, उसी तरह वो अपने दोस्त से सवाल करता रहता है, और बार बार इस मिसरे की तकरार से उस नज़्म की कैफियत में इजाफा हो रहा है कि ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता। अब आखिरी से पहले का बंदे, क्या गांव पे अब भी सावन में बरखा की बहारें छाती हैं, मासूम घरों से भोर बहे चक्की की सदा आती है, और याद में अपने मायके की बिछड़ी हुई सखियां गाती हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर जो है सावन का जिक्र आ गया, मासूम घरों से भोर बहे, पुराने ज़माने में ये था कि चक्की सुबह सुबह घर में आका पीसा जाता था, क्या अब भी ये सब है वहाँ पर, चक्की की सदाएँ आती हैं और याद में अपने मायके की बिछड़ी हुई सखियां गाती हैं। जब जो मायके से जो है अपने आती है तो जो हमारी सखियां जो सहेलियां, क्या अब भी वो अपने मायके को याद करके वो गीत गाती हैं, क्या अब भी पुराने खंडरों पर तारीख की इबरत तारी है, अन्नपूर्णा के उजड़े मंदिर पर मायूस की हसरत तारी है, सुनसान घरों पर छावनी के वीरानी और रिखत तारी है। अब आखिरी बंद में अभी तक जहाँ एक अच्छी कैफियत थी, आखिरी बंद में उसने शायर को ये एहसास हुआ कि ये सब तो ठीक है लेकिन दुनिया फ़ानी, हर चीज़ फना होने वाली है, जैसे कोई भी चीज़ हो, इमारत हो, तम बार अच्छी से अच्छी इमारत बना ली तो वो भी एक दिन खंडहर में तब्दील हो जाएगी, और जब तब्दील हो जाती है तो क्या तारीख की इबरत तारी है। इबरत उस लफ्ज़ को कहते हैं कि किसी वाक़े से कोई ऐसी चीज़ आपके पैदा होगी सबक लेना। अब किसी ज़माने बहुत ऊंची इमारत थी, किले बने हुए थे, महल बना हुआ था, लेकिन अब उसका खंडहर हो गया तो अब उस पर एक इबरत तारी कि यहाँ कैसे कैसे लोग थे और कोई नहीं रहने वाला है, सब फना है, तो लोग रुखसत हो गए। अन्नपूर्णा के उजड़े मंदिर पर, अन्नपूर्णा एक देवी के नाम में है बात, उसके मंदिर पर मायूसी और हसरत तारी की आदमी वहाँ उसी तरह मायूसी और हसरत तारी, यानी एक सन्नाटा है बसेरा है, सुनसान घरों पर छावनी की वीरानी और रंगत तारी है, और छावनी का जो सुनसान घर है कि आप भी वहाँ वो वीरानी और रिक्कत तारी पहले थी कि आप भी ऐसी कैफियत होती है। आप ये पूरी नज़्म देखिए यहाँ ख़त्म हो जाती है, और इसमें देखिए कि वो देश से आने वाले बता कि तकरार से नज़्म में एक नगमगे की भी पता फला पैदा हुई है, उसकी कैफियत पैदा हुई, और उसके अंदर शायर के अंदर जो तजस्सुस है वो जाहिर हो रहा है। इससे नज़्म में कई उल्ट माने का लफ्ज़ दिए गए हैं, उसकी वजाहत हो गई है, उसको फिर पढ़ सकते हैं। इसमें सारे काम तो है, मेरी काम में गौर करने की बात वो भी हमने बता दी, इसमें सवालों के जवाब है वो भी इसमें आ गए, लेकिन इसमें एक चीज़ हम कुछ इसमें काम दे सकते हैं बच्चों को कि इस नज़्म को पढ़ने के बाद जो है कुछ अमली काम कर सकते हैं। अमली काम दो दिए गए हैं, दो और कि इसमें जो मुश्किल लफ्ज़ है एक तो उनकी फहरिस्त बनाएँ, इजाफत के साथ जो लफ्ज़ आए उनको लिखें, और जो उनको सिफात यानी एडजेक्टिव का जो इस्तेमाल हुआ है वो एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल हुए मुरक्कब लफ्ज़ों में उनके साथ इस्तेमाल करें जो है। तो इस तरह देखते हैं कि ये नज़्म वो देश से आने वाले बताए खूबसूरत नज़्म
अख्तर शीरानी की है, और इससे न सिर्फ नज़्म के कंटेंट से हम महसूस होते हैं, उससे लुत्फ़ानंदोज़ होते हैं, बल्कि हमें ज़बान को सीखने का भी एक अच्छा मौका मिलता है। इसमें जो ज़बान की बारीकियाँ हैं हमें उस पर मज़ीद गौर करना चाहिए। उम्मीद है कि बच्चों आप इस नज़्म से लुत्फ़ानंदोज़ भी हुए होंगे और नज़्म की खूबियों को भी जान गए होंगे। बिल्कुल सर, और सर नज़्म थी ही इतनी प्यारी, इसमें ऐसा लग रहा था कि हम उस दौर में पहुंच चुके हैं। जी, बिल्कुल यही होता है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल उन दौर में जो सब चीज़ें थी, जो एहसास, जो एनवायरनमेंट उसमें होता था, लग रहा था हम उसको फिर से जी रहे हैं। शायर के पूछने का अंदाज जो अपने दोस्त है वो जो बड़ा दिलचस्प है कि एक एक चीज़ को बड़े तफसील से पूछ रहा है, जानने की कोशिश करता है, तो इतना की यह खूबी है। बिल्कुल सर, तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी नज़्म आज के हमारे सत्र में, आज का जो हमारा उर्दू का सत्र था, आपने इतनी अच्छी नज़्म इसमें इंक्लूड करी हमारे बच्चों के लिए और उसको इतने अच्छे तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को समझाया। थैंक यू सो मच सर। ओके, शुक्रिया आपका, बच्चों आपका भी शुक्रिया। बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को भी नज़्म उतनी ही समझ में आई होगी, उतनी ही अच्छी लगी होगी जितनी कि मुझे सुनने में, यहाँ पर बैठ के जितने अच्छे तरीके से सर ने बताया आपको भी उतनी अच्छी आपको ये नज़्म लगी होगी। आप इन सारे मोमेंट्स को जिए, आज की जो आप अपने उस रूट से जुड़े रहिए, लेकिन यही इस नज़्म में बताया गया है। फिलहाल हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त करें, लेकिन आप देखते रहिए PM विद्या चैनल। नमस्कार।